क्योंकि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हम इसलिए मनाते हैं कि लोगों को में जागरूकता दिखे कि आर्थराइटिस सिर्फ वो गठिया बाई नहीं है जिसमें लोग कहते हैं कि आज मैंने राजमा खा लिया था तो मेरे हाथ पैर में सूजन आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑटोइम्यूनिटी रिलेटेड गठिया बाय है जिसको हम कहते हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे जोड़ के साथ हमारी चमड़ी, हमारे बाल, हमारे लंग्स, हमारी किडनीज, हार्ट, गुर्दे, आप मतलब कहने का है कि शरीर का कोई भी अंग है वो इस गठिया में ले सकता, अफेक्ट हो सकता है। तो ये बताने के लिए हम जनरली ये प्रोग्राम करते हैं। देखिए ये हर एक चीज़ में ना सिर्फ मैं कहूँगा बीमारी से, हर एक चीज़ के अंदर जैसे आम जन को हमारे देश में और पूरे विश्व में उसकी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अगर हम किसी भी बीमारी के बारे में बात करें, चूँकि आज ये उपलक्ष्य वर्ल्ड आर्थराइटिस डे रूप में मनाया जा रहा है, कि जैसा कि हम जानते हैं लोगों में भ्रांतियाँ हैं, वो अपने सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते हैं, वो उनको ये पता नहीं होता है कि ये जो सूजन आ रही है, जो दर्द हो रहा है, वो किस आर्थराइटिस से हो रहा है, क्योंकि आर्थराइटिस के अनेक प्रकार हैं और उसके लिए मुझे किसको दिखाना है, तो वो इधर उधर कभी देवताओं के चक्कर में, कभी इधर उधर जो भी जो नॉन जो डॉक्टर्स नहीं हैं उनके चक्कर में कोई लेप वगैरह लगाने लग जाते हैं या कुछ खाने पीने में बदलाव करने लग जाते हैं। उनको नहीं पता होता सीधे तौर पर क्या करना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, कहाँ आना है, मुझे क्या इलाज लेना है। तो ये इस तरह के जितने भी आयोजन हैं जिसमें आज हम आर्थराइटिस डे की बात कर रहे हैं, वो ये अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि लोग अपने लक्षणों को पहचानें, ये जाने कि मुझे कहाँ जाना है, किसको दिखाना है, जिससे वो स्वस्थ हो। देखिए आर्थराइटिस एक तरह का लक्षण है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सो जो आपको जोड़ों में दर्द नज़र आ रहा है या फील हो रहा है जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, उसके अनेक अनेक कारण हैं एंड उसमें और सिस्टम्स जो हैं हमारे बॉडी के उसमें भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो उन सिस्टम्स में इन्वॉल्वमेंट हो, उनका अमुक ट्रीटमेंट टाइम से कर लिया जाए, वो इसी डिपार्टमेंट में डील किया जाता है ऐसे पेशेंट्स। और ऐसे आयोजनों से यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो जाहिर होनी चाहिए, जो आम पब्लिक को पता लगना चाहिए, वो यही है कि हर एक दर्द जो जोड़ों का है वो रूटीन आर्थराइटिस नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाएं और स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्योंकि आज आर्थराइटिस एक स्पेशलिटी हो गई है, आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट एक स्पेशलिटी हो गया, इट इज़ स्पेशलाइज ट्रीटमेंट। एंड उसमें अगर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो ये डॉक्टर आपको बता पाएंगे कि ये रूटीन आर्थराइटिस है या ये ऐसी आर्थराइटिस है जिसमें कि बॉडी के और पार्ट्स पे भी असर पड़ सकता है। बॉडी के और पार्ट्स की बात करें तो यही कुछ आर्थराइटिस ऐसी होती है जिसमें कि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, आइज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, पैरालिसिस भी होता है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, किडनी का इन्वॉल्वमेंट बड़ा कॉमन है एंड लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो करीब करीब हर एक ऑर्गन पर अफेक्ट पड़ता है एंड ऐसे आयोजनों से रूटीन आर्थराइटिस को स्पेशलाइज जिनको जरूरत है ट्रीटमेंट की उस आर्थराइटिस से सेपरेट किया जाता है। जो पुराने इंस्टीट्यूट्स का जिनका काम चल रहा है उसमें आईपीडी टावर का काम अभी उसका स्ट्रक्चरल पार्ट जो है करीब 12वीं मंजिल तक हो चुका है। इंटरनल जो फर्निशिंग और जो जनरल फर्नीचर एंड मेडिकल फर्नीचर की बात है उसका प्रोक्योरमेंट का कार्य चल रहा है। जहाँ तक कार्डियोलॉजी टावर की बात करें उसमें अभी जो फर्स्ट फेज में चार मंजिल का प्लानिंग की थी उसकी ये चार मंजिल का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है करीब के पूरा हो चुका है एंड उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 3 या 4 महीने में उसको हम स्टार्ट कर पाएंगे। एंड एक कुछ हमारे और प्रपोजल भी हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रपोजल हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑफ्थोलॉजी का है, उसकी भी तैयारी पूरी चल रही है, उसकी टेंडर प्रक्रिया जारी हो चुकी है एंड आई थिंक विद इन टाइम स्टार्ट अगले 2-3 महीने में उसको स्टार्ट कर जाएगा।